हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. दिस इज द फिल द ब्लैंक्स ऑफ द रिविजन वर्कशीट विच आई एम गोइंग टू सॉल्व टूडे. एन अडल्ट एलिफेंट ईट मोर देन 100 केजी ऑफ लीव्स. अडल्ट एलिफेंट जो है वो 100 किलो से ज्यादा लीफ खाता है. एलिफेंट यूज देयर ईयर्स एज फैन. एलिफेंट जो है वो अपने ईयर्स फैन के तरह यूज करते हैं. मेल एलिफेंट लिव इन अ हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड. जो मेल एलिफेंट है वो हर्ड में 14 से 15 साल तक नहीं हो जाते तब तक रहते हैं. अ हर्ड हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस. एक हर्ड में, हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ एलिफेंट जो होता है, उसमें 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होती है और छोटे बच्चे होते हैं. एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट. एनिमल का जो ग्रुप, एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसमें ज़्यादातर फीमेल और बेबी एलिफेंट ही होते हैं. द खेजाड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया. खेजाड़ी ट्री जो है वो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में ही है. अमृता वुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग एंड ग्रीट ट्रीज. अमृता जल्दी उठ के ट्रीज को ग्रीट करती थी. अमृता पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली. अमृता अपने दोनों हाथ ट्री के बाजुओं में फैला के उसे टाइटली हग करती थी, मतलब गले लगाती थी. 100 विलेजेस हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम. 100 से ज़्यादा विलेजर्स ट्री को गले लगाकर बैठे थे ताकि वो अपने ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके. बिजनोसिस ट्राइब ऑफ पीपल प्रोटेक्ट ट्रीज. बिजनोसिस एक ट्राइब है पीपल का जो ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं. आरटीई एक्ट प्रोवाइड कंपलसरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स. आरटीई जो है वो कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है 6 से 14 साल तक के बच्चों लोग को. हनी बी फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर. हनी बी जो है वो नेक्टर के फ्लावर के आजू बाजू नेक्टर के लिए घूमती है. अनीता यूज टू स्टडी एंड लर्न बी कीपिंग कोर्स. अनीता जो है वो स्टडी के साथ साथ बी कीपिंग कोर्स भी सीखती थी. सोल्जर एंट लुक आफ्टर बेबी एंड एंट नेस्ट. सोल्जर एंट जो है वो अपने बेबी का ध्यान रखता है और एंट नेस्ट मतलब खुद के घर का ध्यान रखता है. अनीता कॉलेज इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस. अनीता का जो कॉलेज है वो 5 किलोमीटर दूर है उसके हाउस से. द एयर वॉज कूलर देन अहमदाबाद. जो हवामान था वो ठंडा था अहमदाबाद से. उनी एंड ओमाना ट्राई टू काउंट कैरियज इन द ट्रेन. उनी और ओमाना ने जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं वो काउंट करने की ट्राई की. ऑन सेकेंड डे ओमाना हैड रीच मड़गांव स्टेशन. दूसरे दिन ओमाना मड़गांव स्टेशन पे पहुंच गया था. सुनील फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड़ी स्टेशन. सुनील की जो फैमिली थी वो कोझिकोड़ी स्टेशन पे ही उतर गई. एट लास्ट ओमाना हैड रीच अमूमास हाउस. अमूमा मतलब मम्मी की मम्मी, मदर की मदर, उसको अमूमा बोलते हैं. लास्ट में ओमाना उसकी नानी के घर पे पहुंच गया था. मधुबनी पेंटिंग इज फ्रॉम द बिहार. मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार से है. इन मधुबनी पेंटिंग फ्लावर्स एंड ट्रीज आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स. मधुबनी पेंटिंग में ज्यादातर कलर बनाने के लिए फ्लावर्स और ट्रीज यूज किए जाते हैं. फ्लावर वैली ब्लोज फ्लावर फॉर ओनली फ्यू वीक्स. फ्लावर वैली जो है वो फ्लावर ब्लो करते हैं, मतलब उसमें फ्लावर खिलती है पर थोड़े वीक के लिए ही. फ्लावर वैली इज सिचुएटेड इन हिल्स ऑफ उत्तराखंड. फ्लावर वैली जो है वो उत्तराखंड के हिल्स में सिचुएटेड है. रोज फ्लावर्स ब्लूम ऑल अराउंड द ईयर. रोज जो फ्लावर है वो पूरे साल खिलते हैं.
So this was for the today. Thank you and have a nice day.